नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 19 है। दोस्तों, आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1,500 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले आपको दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करना क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ लेंगे तो दोस्तों आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये एक आदमी है दोस्तों, क्या करता है, 2 महीने की जो इनकम है, कमाई मतलब इनकम, वो क्या कर रहा है दोस्तों, 3 महीनों में खर्च करता है। ठीक है, और साल में क्या करता है दोस्तों, 1,500 रुपए यानी कि 1,500 रुपए बचाता है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय यानी कि मंथली जो इनकम है वो कितनी है, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये देखना है आपको 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। तो ये देखिए 12 महीने में ये कितने महीने की कमाई खर्च करेगा, यानी 3 महीने में आप कितना कर दे गुणा की 12 महीना हो जाए, तो हम इसको कर देंगे गुणे 4। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 महीना। ठीक है, अब देखिए इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, इधर भी गुणे कर देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 महीना हो जाएगा। देखिएगा, इधर जितना से गुणा किए हैं उतने से भी इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च करेगा। बस ये चीज समझना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। ये क्या दोस्तों, 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च कर रहा है, तो उसका कितने महीने का इनकम बच रहा है, जब 8 महीने की कमाई को 12 महीने में खर्च कर दे रहा है तो बचा इनकम क्या दोस्तों, 4 महीने का उसका इनकम बच रहा है। और कितना साल में बचत रुपए में कर रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए 1,500 रुपए की बचत कर रहा है 4 महीने में। तो अगर जो कोई व्यक्ति दोस्तों 1,500 रुपए बचा रहा है, ठीक है, यहां पे देखिएगा, यानी कि ये क्या रहा है, 4 महीने का इनकम उसका 1,500 है, ये चीज क्लियर रखिएगा, 4 महीने का बचा रहा है और कितना बचा है 1,500, यानी 4 महीने में इनकम इसको मिल रहा है 1,500 रुपए। तो 1 महीने का इनकम क्या होगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, 1,500 को 4 से भाग कर देंगे। तो ऐसे देखिए कैसे भाग कर किया जाता है, भी बता देता हूं, 1,500 को 4 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 यानी 375 बार में कट जाएगा, तो उसका 1 महीने का सैलरी आ जाएगा यानी इनकम आ जाएगा 375 रुपए। तो देखिए 375 रुपए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 375 रुपए, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम हो जाएगी 375, और यही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज बता दूं दोस्तों, लास्ट में मैथ के मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर वो क्वेश्चन आएगा, और उसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। डेली मैं मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता हूं, और ज्यादातर स्टूडेंट, लगभग 95% स्टूडेंट सही आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो पिछला वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे, तो पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का योग मतलब जोड़ 15 है, यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या है। अब पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए, और ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। ठीक है, तो इसको आप ये नहीं करेंगे 10y + x 10x + y, ऐसे नहीं मानना है, एक्स वाई मान के नहीं सॉल्व करना है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि एक्स वाई मान के सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जो मैथ तरीका आपको बता रहा हूं इसमें आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो मेरा मेथड है वो क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकेंडों में आंसर लाएंगे। देखिएगा कैसे, यहां पर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है, मान लेंगे पहला ऑप्शन आपका
आपका सही है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, 69 है यानी 6 और 9, यही दो अंकों की संख्या है, इसका योग क्या होगा दोस्तों 15 होगा। ठीक है, चलिए अभी हम मान रहे हैं, ठीक है 15 होगा। अगर यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो 69 में दोस्तों आप क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे, 69 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा ये 78 हो जाएगा, 9 9 18 के 8 6 1 7, ये 78 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये अंकों का स्थान बदल रहा है, अंकों का स्थान बदलने का मतलब है दोस्तों ये 69 है, बदल के ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे 6 पहले है 9 बाद में, ऐसे ही क्या हो जाएगा 9 पहले हो जाएगा 6 बाद में हो जाएगा, यानी अंक का स्थान बदलना इसे कहते हैं। ये 96 होना चाहिए लेकिन हो क्या रहा है 78, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है। चलिए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 78 है, 78 में दोस्तों आप क्या करिए 9 जोड़िए, 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे 78 2 80 80 7 87, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 87 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों 78 का स्थान बदल गया कि नहीं, 78 को क्या होना चाहिए दोस्तों 8 पहले आ जाना चाहिए और 7 जो है वो क्या होगा दोस्तों बाद में चला जाएगा, यानी 87। तो देखिए जोड़ने पे 9 87 हो रहा है और 7 और 8 का योग क्या है दोस्तों, 7 प्लस 8 जोड़ने पे दोस्तों क्या हो रहा है 15 हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 हो रहा है और हम 9 जोड़ रहे हैं तो अंक अपना स्थान भी बदल दे रहे हैं, यानी 78 का क्या हो जा रहा है 87 हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप के प्रश्नों को ओरल सॉल्व कर सकते हैं, बस देखेंगे जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ऑन रहेगा तभी आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेली दोस्तों मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं 8 PM पे यानी शाम 8 बजे, तो डेली देखा करिए दोस्तों और डेली हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़े रहेंगे एग्जाम तक तो आप एग्जाम अच्छे से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है और हमसे जुड़े रहना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न, देखिएगा तीसरा प्रश्न के लिए भी बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं और इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन है एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग 7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से बेचता है, वह पूरे पर 10% का लाभ करता है, यानी पूरे पर क्या होता है दोस्तों 10% का लाभ कमाता है, वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 100 किलो चीनी है, पहले समझा देता हूं। देखिए एक भाग, दो भाग कर दिया, एक भाग को क्या किया दोस्तों 7% के लाभ पर बेचा है और दूसरा जो भाग है बाकी जो बच गया है उसको 17% के लाभ पर बेचता है, और ऐसे बेच के क्या करता है दोस्तों पूरे पे वह 10% का लाभ कमाता है। तो ये बता पूछ रहा है दोस्तों कि 7% के लाभ पर वह कितने किलो चीनी बेचा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है दोस्तों वो एलिगेशन मेथड होता है। ठीक है, जो मिश्रण वाला नियम होता है उससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे एलिगेशन रूल अपनाते हैं, इस पर फॉलो करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक भाग को क्या किया दोस्तों 7% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ऐसे 7%, समझिएगा लिखने का तरीका भी देखिए। दूसरे भाग को क्या करता है, जो बचा हुआ भाग है उसको 17% के लाभ पे बेचता है, तो दूसरे वाले भाग को इधर लिख लेंगे। ठीक है, 17% के लाभ पे बेचा है और पूरे भाग को कितने परसेंट का लाभ कमाता है दोस्तों 10% का लाभ कमाता है, तो 10 को हम क्या करेंगे दोस्तों बीच में लिख लेंगे यहां पे, समझिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, देखिएगा ऐसे जैसे लकीर मैं खींच रहा हूं ना, आप देखिएगा ध्यान से जैसे ग्राम बना रहा हूं, बस ऐसे ही करना है। अब देखिए क्या क्या इसमें कौन कौन सा संख्या लिखे हैं, 7 है 10 है 17 है, सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों 17, तो 17 में से क्या करेंगे दोस्तों इस 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 17 में से 10 जा तो ये 7 और 7 को यहां लिखेंगे, समझिएगा यहां पे देखिए रेशियो अभी हम निकालेंगे किस किस रेशियो में वो बेचा है, ये चीज यहां पे निकलेगा तो यहां पे हो जाएगा। अब बताइए यहां तो हो गया, अब क्या करना है, फिर दोस्तों क्या करेंगे, जब इधर से घटा लिए तब फिर इधर से घटाएंगे, यानी कि 10 में से
7 को घटाएंगे, समझिएगा ये तरीका सीख लीजिए, 17 में से 10 को घटाए फिर बीच वाले संख्या में से क्या करेंगे दोस्तों, 7 को घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो ये किस अनुपात में दोस्तों बेचा है चीनी को, 7:3 के अनुपात में वो चीनी को बेचा है, ठीक है, यहां पे रेशियो निकल गया है। अब ये पूछ कह रहा है दोस्तों 7% के लाभ पर कितनी चीनी बेचा है, 7% के लाभ पे 7 रेशियो में बेचा है और 17% के लाभ पे 3 रेशियो में चीनी बेचा है। टोटल चीनी कितना है दोस्तों 100 किलोग्राम है, ठीक है 100 किलोग्राम है, तो आपको 7% वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है अनुपात, अनुपात बता अनुपातिक योग होता है, यानी कि 7% वाला निकालना है तो 7% वाला कितने रेशियो में बेचा है 7, और टोटल रेशियो क्या है 7 और 3, 7 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10, तो 7/10, ठीक है। अब गुणे क्या करेंगे दोस्तों, कितना केजी चीनी है 100 केजी चीनी है, तो बस यही कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 0 से क्या होगा दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 × 7 यानी 7 × 10 में क्या हो जाएगा दोस्तों 70, 70 किलो चीनी वो क्या किया है दोस्तों 7% के लाभ पे बेचा है। 70 किलो चीनी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर जो यही प्रश्न रहता पूछता है 17% के लाभ पे चीनी को कितना चीनी बेचा है, तो इसे क्या करते दोस्तों 3 रेशियो में बेचा है, ठीक है, यानी कि 30 किलोग्राम हो जाएगा 17% के लाभ पर, बस ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हम करंट अफेयर की भी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करें, तो दोस्तों डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग में मिल रही है 5 बजे करीब, ठीक है, तो डेली आप करंट अफेयर की भी वीडियो देखा करिए। और दोस्तों करंट अफेयर के लिए हम एक बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और पूरी फुल डिटेल में समझा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पे PDF भी डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए दोस्तों करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी काफी आपको क्या करता है नंबर दिलाता है, ठीक है, तो करंट अफेयर के सेशन से भी जुड़िए मॉर्निंग में, डेली करंट अफेयर भी आप देखा करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों आपको एक्स मान के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना एक्स माने बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए, और तरीका कौन बताएगा, तरीका हम बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यहां पे कह रहा है ना 3 क्रमागत सम पूर्णांकों या विषम पूर्णांकों कह ले या लगातार संख्याएं कह ले, कुछ भी कह ले, तो सबसे आसान जो तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप देखिए ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना क्या है दोस्तों, ये कितने क्रमागत सम पूर्णांकों की बात कर रहा है 3, और उसका योग क्या कर रहा है 54, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों 54 को 3 से भाग करेंगे, देखिएगा इसको x मान के भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जो मेथड बता रहा हूं इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे 54 को 3 से भाग करेंगे तो 18 + 54 होता है, यानी कि बराबर में क्या आएगा 18, और ये जो संख्या आता है ना दोस्तों ये बीच वाला संख्या आता है, 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो की बात करें, तो इसमें जो संख्या आएगा दोस्तों यानी 3 क्रमागत की बात किया 3 से भाग कर दिया 18 जो आया है दोस्तों ये बीच वाली संख्या आया है, यानी कहने का मतलब है 3 संख्याएं हैं इसमें 18 बीच वाला है, और तीनों क्या है दोस्तों लगातार यानी कि क्रमागत सम पूर्णांक संख्या यानी सम संख्याएं हैं, तो 18 के पहले सम संख्या क्या होगा दोस्तों 16 होगा, और 18 के बाद एक सम संख्या क्या होगा दोस्तों 20 होगा, समझिएगा यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, 16 एक हो जाएगा, एक 18 होगा, एक 20 होगा, यानी जो बीच वाले संख्या है वो 18 है। अब पूछ कह रहा है दोस्तों सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है, तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा दोस्तों, यहां पे सबसे छोटा कौन दिख रहा है 16 दिख रहा है ना, तो 16 सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और इस पे दोस्तों 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं सारे टाइप के आप प्रश्न सॉल्व करें, सबसे छोटा पूछ लेगा, सबसे बड़ा पूछ लेगा तो आप 20 बता देंगे, बीच वाला पूछेगा तो आप तुरंत भाग ही करेंगे, जो संख्या आएगा वो बीच वाला यानी 18 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या होता है लगातार विषम संख्याएं देगा तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, लगातार 4 5
पांच संख्याओं का योग भी कुछ भी दे दे दोस्तों, तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, बस क्या करना है आपको, भाग करना है जितनी संख्याओं से बोले, और जो संख्या आएगा वो बीच वाला आ जाएगा। बीच वाले के यहाँ पे क्या करना है, सम जैसे करे तो दो माइनस कर लेंगे, विषम कहेगा तो एक माइनस, फिर से विषम कहेगा तो भी क्या किया जाता है दोस्तों, दो ही माइनस किया जाता है, ठीक है। यानी कि तब यहाँ पे क्या रहता है, अठारह की जगह विषम रहता है, लेकिन यहाँ पे सम है तो इसमें दो माइनस कर लेंगे, और आगे वाला सम निकालने के लिए दो इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। छोटा बड़ा संख्या ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। पांच रहता तो और एक संख्या पीछे आ जाते हैं, ठीक है। जितना कहे वैसा आप निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स मान के नहीं सॉल्व करना है। तीन कह रहा है, तीन से भाग करिए, अठारह आ गया, और ये इससे पहले वाला सम क्या होगा, सोलह, और इसके बाद वाला क्या होगा, बीस, यानी कि सोलह इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, और सोलह ऑप्शन नंबर डी में, बस इतना ही करना है आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आज का प्रश्न है, होमवर्क के तौर पे दोस्तों ये प्रश्न है, और इसका आंसर दोस्तों आप सबको क्या करना है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों, वो पार्ट नंबर 18 देख लेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, पार्ट नंबर 18 देख लेंगे। पार्ट नंबर 18 में इस टाइप के प्रश्नों को फुल डिटेल में मैं समझाया हूं। इस प्रश्न का देखिएगा, पार्ट नंबर 18 का तीसरा प्रश्न है, उसमें फुल डिटेल में मैं समझाऊं कैसे इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। और पार्ट नंबर 18 कहां मिलेगा दोस्तों, यहां पे मैं आई बटन पे लिंक दे दिया हूं दोस्तों, यहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट पार्ट नंबर 18 देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे के एग्जाम देंगे, एसएससी के एग्जाम देंगे, या अगर आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों। इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इस बुक में इतने क्वेश्चन है, साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने रुपए की है दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की तरफ से दोस्तों ये ऑफर चल रहा है 25 रुपए की, और इसको आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब होगा, यहां पर क्लिक करके दोस्तों जो नए दोस्त होंगे वो जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा। जब ऐसे दिखेगा तो दोस्तों आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।